नमस्कार, वेलकम टू स्टडीज ऑनलाइन। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कांस्टेबल के एडमिट कार्ड कल आने थे, लेकिन उनके एडमिट कार्ड भी आज ही जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह खबर हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहे हैं, और इस वीडियो में हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे कि आप किस प्रकार से बिल्कुल वन क्लिक में अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको बिना नंबर के एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं वो भी इस वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहां पर आपको आरपीएफ से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। और दोस्तों, ये खबर भी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद हम देख लेंगे आरपीएफ आएगी। तो दोस्तों, ये यहां पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, प्रिंट एप्लीकेशन, सिक्योरिटी स्टेटस एंड रोल नंबर, कॉल लेटर, सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल। दोस्तों, कॉल लेटर का जो ऑप्शन है वो आज ही जोड़ा गया है। अब आपको इस कॉल लेटर वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए पेज आ गया, और अब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया कि एडमिट कार्ड एग्जाम से 10-11 दिन पहले ही आते हैं, तो यहां पर फिलहाल ग्रुप ई के एडमिट कार्ड आए हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। एसआई में तो एक दो और ग्रुपों के भी आ गए हैं। तो अब आपको ग्रुप ई के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिए क्या पूछता है। यहां पर दोस्तों, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ये दोनों आप दबा दीजिए। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। फिर आप उसे प्रिंट करवा लेना कहीं पर भी प्रिंटर से। इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात आती है कि जो विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए वो क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिक्योरिटी स्टेटस एंड रोल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, अभी तो पेज खुल नहीं रहा, साइड में प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप क्लिक करेंगे, क्योंकि तो एग्जाम के 10 दिन पड़े हैं। तो आप यहां पर इसके ऊपर नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट का, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए कल हमने वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो क्या करें, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, देख लेते हैं इसी प्रकार से एसआई का। तो एसआई की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें आपको देखिए कॉल लेटर का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं, इसमें दो ग्रुपों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। अब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है अपना, तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ग्रुप ई। तो जैसे हमने ग्रुप ई सेलेक्ट किया, आपके सामने यही पेज आ गया, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही ऊपर दिया गया है। और जो कल हमने वीडियो बनाया था कि रजिस्ट्रेशन में भूल गए हैं तो किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, वो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो। वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप चैनल के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये थी आपके लिए बड़ी खबर, हमने आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाई है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। और दोस्तों, हम आपको बता दें, सभी के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, सभी के एडमिट कार्ड फिलहाल नहीं आए, सिर्फ जो वो ग्रुप है, ग्रुप ई और एफ, इनके एग्जाम पहले होनी है, इसलिए इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आएंगे, तो आप लगा लीजिए। अगर आपके एग्जाम जनवरी में है तो उससे 10 दिन पहले लगा लीजिए, फरवरी में जिस तारीख को आपकी एग्जाम है उससे 10 दिन पहले लगा लीजिए। इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड आएंगे, सभी के एडमिट कार्ड बिल्कुल एक साथ नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह थी आपके लिए बड़ी अपडेट, हमने आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।